चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। सब भूखे मर रहे हैं, मगर ये सरकार खुश नहीं है। कंपनी का कहते हैं घोसला, उसमें कहाँ बेच पाएंगी? हैं, भूखे मर रहे हैं, इसके लिए कोई चिंता नहीं है। मुसलमान मर रहा है, मरने दो। जब वो रोजगार ही नहीं है, जब बाप कमा नहीं रहा तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? जब भाई कमाएगा तब तो माँ को लाके देगा, बेटी को पढ़ाएगी। चलचित्र अभियान और गोरखपुर न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हैं गोरखपुर शहर के तुर्कमानपुर मोहल्ले में और हम लोग बातचीत कर रहे हैं कुरैशी बिरादरी के लोगों से। उस बिरादरी के महिलाओं के घर हम लोग आए हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि दो साल से रोजी रोजगार जब छिन गया है, ये पूरा मोहल्ला कुरैशी बिरादरी के लोगों का है जो कि बड़े यानी कि भैंस का गोश्त की बिक्री करते थे। अब जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो उसने अवैध स्लाटर हाउस के नाम पर इस पूरे व्यापार पर रोक लगा दिया, जिससे सैकड़ों परिवार जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या हुआ कि दो साल पहले जब सरकार आते ही आप लोगों का रोजगार छिन गया, तो क्या दिक्कतें शुरू हुई हैं आप लोगों के घर पर? दिक्कत यही है कि हम लोग के घर में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग के घर में खाना पीना नहीं है, कैसे खाया जाए? एक टाइम खाए मिलता है, खाने को एक टाइम नहीं मिलता है। सब बच्चे हम लोग के बेरोजगार हो गए, मर्दे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चन की पढ़ाई छूट गई है। जब ये पूरे दो साल से आप लोगों का पूरे रोजगार ठप हो गया है तो आप लोगों की ज़िंदगी पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है? प्रभाव की बात आप पूछ रहे हैं। किसी की रोजी अगर छिन जाए, वो रोजी ना करे, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस तरह से आप इस रोजी को कर रहे हैं, इससे चार पैसा आपको मिल रहा है, और अगर ये करना आपका बंद हो जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? तो वही स्थिति हम लोगों की है। और तरह तरह के अखराजात होते हैं, वो अब उनकी फिक्र में हमारा दिमाग क्या सोचेगा, क्या समझेगा? या तो आत्महत्या कर ले आदमी, या कहीं किसी का कत्ल करे या डाका डाले, यही सब हो सकता है। इससे आज़ादी क्या हो सकता है? ये कौन सा इसमें चरस गांजा बेच रहे थे कि आज ये भुखमरी के कगार पे हैं? आप ये देख लीजिए, हिंदुस्तान में जिससे लोग मर रहे हैं, जिससे लोग आए दिन मर रहे हैं, टोटल पेपर की हेडलाइन महीने में एक से दो तीन चार बन जाती है साल में, अवैध शराब का धंधा कितना मजे से पल फूल रहा है, इस चीज पे किसी की कोई नजर नहीं। 12 से 15 मोहल्ले हैं ये कुरैशी बिरादरी जहाँ पे रहती हैं। अब पूरे शहर की ये स्थिति है कि कोई के बच्चे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कोई कबाड़ बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये स्थिति रहेगी तो ये बताइए कि परिवार एक कुरैशी की कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग घर में औरतें घर में छोटा मोटा काम करते हैं, टोपी बनाते हैं, शीशा बनाते हैं, यही सबसे हम लोग का पेट पर्दा चल रहा है। लड़कियों की शादी नहीं लगी थी, छूट गई शादी, नहीं हो रही है शादी। बोल रहे हैं कि कैसे शादी करें, हम लोग बोल रहे हैं जल्दी कर रहे थे तो हम लोग छोड़ दिया कि नहीं करेंगे शादी। इससे जुड़े हुए तो शहर में बहुत सारे लोग जो हैं, जो दुकानें होंगी, वो सब भी का प्रभाव पड़ा होगा उनके ऊपर। सबसे ज़्यादा भूखन मर रहे हैं, जो कमाने वाला, पूरी बेचने वाला, पकौड़ी बेचने वाला, सब भूखे मर रहे हैं, मगर ये सरकार खुश नहीं है। कंपनी का कहते हैं घोसला, उसमें कहाँ बेच पाएंगी? हैं, भूखे मर रहे हैं, इसके लिए कोई चिंता नहीं है। मुसलमान मर रहा है, मरने दो। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हम लोग को चाहिए, रमज़ान के लिए पाबंदी बैठे हैं, कोई नहीं, कहाँ से लाएंगे? बकरे का गोश्त औकात नहीं है खाने की मेरी, मैं नहीं खा पाऊँगा, गरीब आदमी हूँ मैं, कहाँ से खा पाएंगे बताइए? ये लोग बेचारे बक रहे हैं, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं, हम लोग देखते हैं परेशान रहते हैं ये लोग। सरकार इस बात बारे में नहीं सोच रही है। नहीं, पहले से किस तरह से चल रहा था कारोबार? पहले की तरह से चला था, तो पहले 2001 में जब बंद हुआ है, स्लाटर हाउस की गंदगी की वजह से बंद कर दिया गया, चाहे जिस भी वजह से जी। उसके बाद जो है हम लोग को अस्थाई जो है स्लाटर हाउस भटाट में मिला था। अब चूंकि काफ़ी दूरी है, 22 किलोमीटर की दूरी पर था, और रास्ता भी कोई दूसरा ऐसा नहीं था कि हम बेखटक होकर माल को ले आते ले जाते। रास्ते में मंदिर भी पड़ रही थी, टोटल हिंदू आबादी थी रास्ते में। कल को कोई हादसा हम लोगों के साथ हो जाता, हम लोग का जानी माली नुकसान भी
हो सकता था, इस वजह से हम लोगों ने परहेज रखा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम कोई शहर में अमन अमान को ख़राब नहीं करेंगे। स्लाटर हाउस की गंदगी की वजह से बंद कर दिया गया, चाहे जिस भी वजह से जी। हम लोग गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से फिर अपना ये हुआ कि वैकल्पिक जो है व्यवस्था अपना, उन्होंने कहा कि इस तरीके से जब तक स्लाटर हाउस नहीं मिल रहा है तब तक अपना जो है सफाई से काटिए और बेचिए, जब स्लाटर हाउस बना करके जब दे देगी सरकार उसके बाद से अपना जो है आप वहाँ चले जाइए। तो हम लोग उसी बेस पे अपना कर रहे थे, धर रहे थे। ये 17 में योगी आदित्यनाथ जब यहाँ के CM जब हुए तो उन्होंने CM होते ही अभी कुर्सी, जैसे कुर्सी बैठे वैसे ही पुलिस वाले आकर के कहें कि कल से यहाँ पे जो भी दुकानें हो रही हैं दुकान नहीं होगी, सब ये बंद है। इस जानवर को लाने वाले सिर्फ मुस्लिम नहीं है बल्कि इसमें हिंदू भी है, सबको ही है। ये ला करके ये भी बेचते रहे, हम लोगों को देते रहे अपना। उससे ये था कि जो मिला जुला के करीब 10 से 15 हज़ार जो है आदमी इससे पीड़ित है जी। लेकिन शहर में तो जैसे मुर्गे बिक रहे हैं, मछली बिक रहे हैं, तो ये जो है सुअर साला तो बिक रहा है, खुलेआम जो है कटकी बिक रहा है, मुर्गा सब बिक रहा है, मछली बिक रही है, और सब कुछ जितना भी जाइए सब कुछ अंधे बंदे में सब कुछ गंदगी से बिक रहा है। उस पर कोई जो है उस पर कोई मानक नहीं है, उस पर कोई उनका ये आवाज़ नहीं कि इसको भी मॉडलाइज होना चाहिए, इसको भी इस तरीके से करना चाहिए कि जिस तरीके से हमको कह रहे हैं। हमको एक तरफ जो कह रहे हैं करने नहीं दे रहे हैं, और दूसरे तरफ आप करने दे रहे हैं उसको रोक नहीं रहे हैं। कुरैसी बिरादरी को जो है बड़े का गोश्त अगर ये कहीं अगर गलती से अगर ये इनके कान में भनक भी जा रही है तो वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच करके तुरंत उनको जो है गौकती के नाम पर ले आकर के उनको सीधे बंद करते हैं, बंद करने के बाद उन पर मुकदमा लगाया जाता है। तो ये 2 सालों में इस तरह से कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की? लमसम हर मोहल्ले में करीब करीब हम जान रहे हैं कि सबके साथ ही 2-4 लोगों के साथ मुकदमा लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के उससे देखी जा रही है। और ये सिर्फ जो है ये कि मुसलमान के नाते, एक मुसलमान होने के नाते ये हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। और ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो है जैसे इन्होंने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास हम करेंगे, ये सब झूठी बात है। ये कुछ नहीं कह रहे ये कि सबका साथ सबका विकास, ये धोखेबाज हैं। अच्छा, मोदी जी और योगी जी तो बहुत बोलते हैं कि हमको मुस्लिम महिलाओं का बड़ा ख्याल है, देखिए हमने 3 तलाक का कानून बनाया, उनके लिए बड़ी चिंता करते हैं, तो लेकिन उस पर आप लोगों का क्या कहना है जबकि हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का रोजगार छीन रहा है? 2 साल से दुकान बंद कर दी है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग जैसा काटा है हम ही लोग जान रहे हैं भाई, हम लोग की दूसरा तो कोई काम है ही नहीं, इसी का यही रोजगार था, इसी से हम लोग का चलता रहा दाल रोटी। वो 3 तलाक या कुछ भी करके वो क्या कर सकते हैं, जिसको देंगे उसका फ़ायदा होगा ना, ना कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हमारा जो फ़ायदा होना चाहिए, हमारा रोज़गार बंद कर दिया उन्होंने, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? या तो वो बंद कर रहे हैं तो हमको फिर कोई रोज़गार दें, बिना रोज़गार के कैसे किसी का पेट पर्दा चलेगा, कोई बच्चे कैसे पढ़ेंगे स्कूल, जब वो रोज़गार ही नहीं है, जब बाप कमा नहीं रहा तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से, जब भाई कमाएगा तब तो माँ को ला के देगा, बेटी को पढ़ाएगी। हम लोगों ने आज देखा आप लोगों की बातचीत से साफ जाहिर हुआ कि एक तरफ से मांस का निर्यात जो है पूरी दुनिया में भारत का बढ़ रहा है, लेकिन जो गोरखपुर शहर के 10-12 मोहल्लों में जो गरीब कुरैसी बिरादरी के लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर इतना बड़ा हमला हुआ है और वो भुखमरी के शिकार पर हैं, ऐसे में 3 तलाक की बात करना या बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करना पूरी तरह से फर्जी और बेईमानी लगता है आप लोगों को, और केवल वो भटका रहे हैं और जो उनके जो बुनियादी जो ज़रूरत है उनके मसाइल हैं उस पर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। चलचित्र अभियान और गोरखपुर न्यूज लाइन कुरैसी बिरादरी के सभी लोगों की जो समस्या है उसको आवाज़ को उठाएगा। आप लोगों ने चलचित्र अभियान और गोरखपुर न्यूज लाइन से बातचीत करी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।